नमस्कार, मैं हूँ सिम्मी और सिम्मीज मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाते हैं कैबेज के कोफ्ते, एकदम सॉफ्ट जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। और उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, वो भी बिना प्याज और बिना गार्लिक के, फिर भी बहुत स्वादिष्ट। कोफ्ते बनाने के लिए हम लेंगे कैबेज 250 ग्राम, जिसे हमने धोकर पोंछ लिया है। बेसन हाफ कप, शुरू में हम हाफ कप बेसन लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो एक टेबल स्पून और ले लेंगे। साथ में हमने धनिया लिया है 1/4 कप और एक हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और सॉल्ट 1/2 टीस्पून। साथ में हमने ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम कैबेज को एक फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप उसे कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं, पर फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करने से कोफ्तों का टेक्सचर और शेप ज़्यादा अच्छी आती है। पर ध्यान रहे, आपको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस हमें बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए। अब हम कैबेज को इस तरह के किसी चौड़े बर्तन में या चौड़े बाउल में निकाल लेंगे। और अगर आपको लगता है कि कैबेज में काफ़ी पानी है तो आप उसको मसलिन क्लॉथ में डालकर उसको निचोड़ लीजिए और पानी को अलग कर दीजिए। मेरी कैबेज ठीक है और पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम एक प्लेट को ग्रीस करके तैयार कर लेंगे, जिसमें हम कोफ्ते बनाकर रखेंगे। अब हम कैबेज में ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। डो हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा डो सॉफ्ट है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और डालूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा डो कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे और फिर जिस भी साइज़ के कोफ्ते आपको बनाने हैं, छोटे या बड़े, बना बना कर इस प्लेट में रख लेंगे, जिसको हमने पहले से ही ग्रीस करके तैयार कर लिया था। हमारे कोफ्ते फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पर अगर आप कोफ्तों को अभी फ्राई नहीं कर रहे हैं तो इनको फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपको कोफ्ते फ्राई करने हो तब फ्रिज में से निकाल लीजिए। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसे मीडियम हॉट फ्लेम पर गर्म कर लेंगे, और कढ़ाई में थोड़ा सा डो डालकर ऑयल चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल तैयार है या नहीं। अगर आपका डो तुरंत ही ऊपर आ जाता है, इसका मतलब आपका ऑयल फ्राई करने के लिए तैयार है। हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे, पर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा कढ़ाई को मत भरिएगा, जितनी कढ़ाई में जगह है उस हिसाब से ही कोफ्ते डालिएगा। अगर आप खूब सारी कोफ्ते एक साथ डाल देंगे तो वो सेकने के लिए पलटते हुए टूट सकते हैं। कोफ्ते डालने के बाद 2-3 मिनट तक कोफ्तों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उन्हें मत हिलाइए वरना वो टूट जाएंगे। जब कोफ्ते नीचे से थोड़े से सिक जाएं, तब फिर हम उनको अलग पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। कोफ्तों को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि कोफ्ते चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। हमें फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, वरना कोफ्ते बाहर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कोफ्ते 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। देखिए, हमारे कोफ्ते अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। आपको कोफ्तों की ग्रेवी के लिए जितने कोफ्ते चाहिए, हमेशा उससे ज़्यादा ही कोफ्ते बनाइएगा, क्योंकि ये इतने स्वाद लगते हैं
बस चखते चखते आधे कोफ्ते तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें ऐसे ही हरी चटनी के साथ खाइए तो भी ये पकौड़ों की तरह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर से बेहद सॉफ्ट और बाहर से एकदम से क्रंची और खाने में बेहद लाजवाब। बस अब हम कोफ्तों के लिए एक बढ़िया सी ग्रेवी तैयार करते हैं, वो भी बिना प्याज और गार्लिक के। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है टमाटो प्यूरी 1/2 कप। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 4 से 5 टमाटरों को ग्राइंडर में पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है फ्रेश योगर्ट 2 टेबल स्पून, टमाटो केचप 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, 1 हरी मिर्च को हमने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है बेसन 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 2 टीस्पून, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, अगर बड़ा है तो बस 1 ले लीजिएगा, 2 बड़ी इलायची। अब हम देख लेते हैं हमें मसाले क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है क्यूमिन सीड 1/2 टीस्पून, हींग 2 चुटकी, पोपी सीड्स 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, फ्रेश कोरिएंडर टू गार्निश एंड ऑयल। जिस कढ़ाई को हमने कोफ्ते फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था उसका हम ऑयल निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई को ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लाल मिर्च और बड़ी इलायची और उसको 1 मिनट तक भून लेंगे और फिर डालेंगे जीरा और पॉपी सीड्स। जब वो स्प्लटर होने लगे तो उसमें हम डालेंगे हींग, सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, फिर उसमें डालेंगे बेसन और बेसन को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और जब बेसन कलर चेंज करना शुरू कर दें तो उसमें हम डालेंगे जिंजर पेस्ट, उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और टमाटो प्यूरी और टमाटो प्यूरी को बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब हमारी टमाटो प्यूरी बहुत अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे दही और उसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप इसमें बाकी मसाले मिला देते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और टमाटो केचप। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कसूरी मेथी को अपनी हथेलियों से क्रश करके इसमें डालेंगे। इससे कसूरी मेथी का बहुत अच्छा स्वाद हमारी ग्रेवी में आएगा और साथ में डालेंगे गरम मसाला और सब चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से भून लेंगे। अब हम ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ में अपनी ग्रेवी को चलाते रहेंगे। ग्रेवी को बहुत गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि कोफ्ते भी ग्रेवी को सोक करेंगे। जब ग्रेवी बॉयल होना शुरू हो जाए तब हम उसमें डालेंगे नमक। ग्रेवी के बॉयल होने के बाद नमक डालने से दही फटता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और डालने की ज़रूरत है तो इस टाइम आप थोड़ा सा पानी डालकर अपनी जैसी भी आपको ग्रेवी चाहिए वो कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे। जब ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाए तब हम उसमें डालेंगे कोफ्ते। कोफ्तों को अच्छे से एक बार चलाकर उस पर लिड ढककर 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फिर कोफ्तों का ढक्कन खोलकर उसे अच्छे से चला देंगे और एक बार फिर से उसको ढककर 5 मिनट के लिए सिम गैस पर कुक कर लेंगे।
अब कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि हमारे कोफ्ते तैयार हैं या नहीं। बिल्कुल बढ़िया, कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आप इन कोफ्तों को पूरी, पराठा, चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही स्वाद लगेंगे। बस इसको सर्व करने से पहले हरी धनिया से गार्निश कीजिए और लीजिए, आपके कोफ्ते सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर कुछ अच्छा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।